नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। बंगाल चुनाव के बाकी दो फेज के चुनाव बचे हुए हैं, इसके पहले क्या ममता बनर्जी ने हार मान ली है, या ऐसे कह सकते हैं कि टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हार मान ली है, या उन्हें हार का अंदाजा हो गया है। आखिर आज ऐसी बात क्यों की जा रही है, तो चलिए आपको हम बताते हैं। दरअसल बीरभूम के बोलपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा है, और उन्होंने जो कुछ वहां कहा है इस बयान में काफी कुछ छिपा हुआ है। बोलपुर में ममता बनर्जी ने जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करेंगी। ममता बनर्जी के इस बयान के आखिर मायने क्या है, यह समझना मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। तो सुनिए सबसे पहले कि आखिर ममता बनर्जी ने बोलपुर में क्या कहा था। बीजेपी की कोरे हेल्प करा जाए, तृणमूल लोग देर अरेस्ट करे रखे दिए, बीजेपी के की कोरे सहाय्य करा जाए, ये जो प्लान गुलो एसपी दे डायरेक्ट करा होच्छे ओसी दे गिए सबाई के तुले निए चले एसो, आमी इल्लीगल डिटेंशन केन अलाउ करब, एखाने जेई करुक एफआईआर होबे एंड वी विल टेक ऑल एक्शन। एबार आमी सुप्रीम कोर्टे एटा निए जाब एबं जत दूर जेते हय आमी जाब। इट इज अ बीजेपी प्लान, इट इज ए मैनमेड प्लान, बीजेपी मैनमेड प्लान, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई इलेक्शन कमीशन। दैट्स व्हाई माई ग्रीवेंसेस इज दैट इलेक्शन कमीशन, वी थिंक दे मस्ट वर्क एज इम्पार्शियली। राजधर्म पालन करा उचित, राजधर्म पालन ना करे जदि से एक धर्म पालन करे बीजेपी राय ना होय, बीजेपी माउथपीस होय, ताहले तो आमादेर बोलते ही होबे। आमरा कत कमप्लेन दिएछि, एकटा विचार होयनि, আমাদের শোকজ করতে পেরেছে, কই ক্ষমতা ছিল নরেন্দ্র মোদীকে শোকজ করেছে, কত বাজে বাজে কথা বলে গেছে, হোম সেক্রেটারি কত বাজে বাজে কথা বলেছে, একটাও শোকজ করেছে, চুনো পুটি ওগুলো না খায় না মাথায় দেয়। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले फेज के बाद से ही लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर हमले कर रही हैं। छठे चरण का चुनाव बीत जाने के बाद अब वो और भी तल्ख हो गई हैं, उनके तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। अब ममता बनर्जी का दावा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर सही फैसले कर रहे हैं, टीएमसी की शिकायतों पर चुनाव आयोग की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पुलिस ऑब्जर्वर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, यहां तक कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को नजरबंद करने, डराने और सेंट्रल फोर्सेस को फायरिंग करने के आदेश दिए जा रहे हैं। शनिवार को ममता बनर्जी ने बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग पर फिर से एक बार गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने का जिक्र भी उन्होंने किया है। अब ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा, इसका पता तो आने वाले कल में ही चल पाएगा। फिलहाल 26 अप्रैल को 34 और 29 अप्रैल को 35 सीटों पर वोटिंग होनी है, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। इसके बाद 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। इस खबर में इतना ही। बंगाल चुनाव के सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।